everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are keeping safe and welcome back to yet another haul video. And this time it's a April haul. Okay, now मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने अप्रैल महीने में क्या लिए हैं, including their first impressions. Because इसमें से I think मैंने अभी सिर्फ एक product का review किया है, बाकी अभी review होने बाकी हैं. So without wasting a minute, let's get started. सीन माई Schmitten ऐप वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैंने वहाँ से क्या क्या पिक किया है. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो मैंने Schmitten ऐप से पिक किए हैं. क्विकली बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने चार प्रोडक्ट्स पिक किए हैं फ्रॉम जस्ट हर्ब्स, इंक्लूडिंग देयर क्लेंजर, रोज वाटर, आई क्रीम एंड फेस क्रीम. ओके, एंड बाकी है यहाँ पे ममा अर्थ का वाइटामिन सी मास्क, देन आई हैव बायोडर्मा का सीबियम जेल मुसेंट एंड बायोर यूवी वाटरी असेंस एंड ममा अर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर. ओके, सो आई होप यू हैव सीन दैट वीडियो. इन केस यू मिस्ड इट, आई एम गोना गिव द लिंक ओवर हेयर. ओके, एंड उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने जो फुल प्रोडक्ट परचेज किया था वॉज दिस फ्रॉम बायोडर्मा. ओके, और मैंने आपको उसमें बताया था कि इस पर बहुत अच्छी ऑफ थी, लाइक इस पर ऑलरेडी 20% ऑफ चल रहा था उस ऐप पे. ऊपर से जो मेरे को 199 रुपीज रिडीम करने थे वो रिडीम किए एंड एक्स्ट्रा 15% और ऑफ मिला था. सो दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन कॉस्टेड मी अराउंड 800 रुपीज, विच वॉज लाइक अ स्टील डील. सो या दैट्स माई फर्स्ट प्रोडक्ट. नाउ इसका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लाइट है, एज द वर्ड से इट्स एक्वा फ्लूड. ओके, सो इफ यू गाइज इफ यू हैव सीन माई लास्ट वाला आई थिंक नाइका समर सेव हॉल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने इसका फोटोडर्म वाला जो क्रीम है मैंने वो लिया है एंड आई हैव बीन यूजिंग दैट. ओके, एंड अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स रियली रियली लाइट वेटेड. ओके, बिल्कुल एकदम यू नो फ्लूड काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंसी. आई एम जस्ट लविंग दिस वन. सो सून आई एम गना शेयर द रिव्यूज ऑन बोथ, लाइक इसका भी और उसका भी. सो काइंडली अलाउ मी सम टाइम. नेक्स्ट मैंने परचेज किया है फ्रॉम अर्थ रिदम, तो वहाँ पे एक यू नो सेल चली थी, ऑफर थी, आई थिंक कि 999 की शॉपिंग के अबव आपको एक सनस्क्रीन फ्री मिलना था. तो यहाँ पे मैंने ये तीन प्रोडक्ट पिक किए थे. इनकी बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी. वन इज़ दिस अर्थ रिदम का लिप मास्क. ओके, एंड दिस लिप बटर, दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक. मेरे को इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी एंड एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसके जैसी मिलती जुलती इनकी पैकेजिंग है, तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई देम आउट. ओके, सो इन दो के साथ मिलनी थी एक सनस्क्रीन, तो यहाँ पे मुझे मिली है दिस SPF 50 हाइब्रिड सनस्क्रीन, अल्ट्रा डिफेंस सनस्क्रीन. ओके, सो मैंने इसको ट्राई किया है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लाइट है इसकी, लाइक मुझे अभी तक ठीक ठाक लगी है ये. तो अभी मैं इसको और टाइम दूंगी एंड देन आई एम गोना कम अप विद माय फाइनल वर्ड्स एंड इंक्लूडिंग दीज, बिकॉज ये मैंने अभी ट्राई नहीं किए हैं, इनको ट्राई करूंगी एंड देन एक साथ ही इन दोनों का इकट्ठे रिव्यू दे दूंगी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट टू आइटम्स ये मैंने पिक की थी फ्रॉम नाइका. सो जिस दिन नाइका सुपर समर सेवर सेल का आई थिंक लास्ट डे था, उस दिन मैंने पिक किए थे. दिस वॉज प्लम का ग्रीन टी ऑयल फ्री फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर, इसका मैंने रिव्यू शेयर कर दिया था. सेकेंड मैंने पिक किया था दिस एन का पकर हाइड्रेटिंग लिप मास्क विद हाइलुरोनिक एसिड, इसका रिव्यू जल्दी आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट प्रोडक्ट्स मैंने पिक किए हैं फ्रॉम क्योर स्किन ऐप. नाउ अगर आपने मेरा उसका अपडेटेड रिव्यू देखा है, लाइक 3 मंथ का अपडेट देखा है, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि मैंने जो भी मेरी रिज्यूम थी मैंने वो दोबारा से रीपरचेज करी थी, जिसमें ऑफकोर्स मेरा शैम्पू था, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, कंडीशनर, माई टैबलेट्स एंड दिस हेयर सेरम, एंड इसके साथ मैंने यहाँ पे वाइटामिन सी टैबलेट्स भी ले लिए थे. सो ये वाला परचेज था फ्रॉम क्योर स्किन. इफ यू हैव मिस दैट वीडियो आई एम गोना गिव द लिंक हियर, यहाँ से चेक कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट मैंने पिक किया है फ्रॉम अमेजोन, और ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी मेरे को आईब्रो वाले वो रेजर चाहिए. सो बहुत सारे लोगों ने बोला कि मिनीसो पे भी मिलता है, बट यहाँ पे मिनीसो पे मैं जा नहीं पाई, तो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिए थे. तो इस तरह के ये नज़र आता है. यहाँ पे ये दो का सेट था, एक मैंने निकाल लिया और एक मैंने अभी नहीं निकाला है. मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव ये नहीं लगा है. मैंने एक दो बार इसको ट्राई किया है, काफ़ी अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता है, बट स्टिल आई एम गोना गिव दिस वन सम मोर टाइम टू कम टू अ फाइनल कंक्लूजन. देन नेक्स्ट परचेज मैंने किया है फ्रॉम मैकरॉन ब्यूटी. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल यूज टू आस्क मी कि यू नो ये साइट जेन्युइन है क्या, ये साइट जेन्युइन है. सो गाइस सी, ये मैंने आपको बहुत बार बोला है कि यू कैन नॉट गारंटी एनीथिंग. ओके, यू कांट इवन गारंटी कि नाइका पे आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं, ओरिजिनल हैं या नहीं है, अनटिल यू बाइंग देम फ्रॉम द
एक्सक्लूसिव स्टोर जो होते हैं, जो ब्रांड के इंडिविजुअल स्टोर्स होते हैं, जब तक आप वहाँ से नहीं लेते हो यू कैन नॉट गारंटी एनीथिंग. ओके, सो डोंट आस्क मी कि हाँ ये वाली साइट जेन्युइन है या नहीं है. सी, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वी आर नॉट असेसेबल टू ऑल दीज कोरियन ब्रांड्स इन स्टोर. ओके, यहाँ पे स्टोर्स अवेलेबल नहीं है हर किसी ब्रांड के, सो वी हैव टू ट्रस्ट देम. ओके, आई नो वहाँ पे उन्होंने यू नो अपने सर्टिफिकेट्स मेंशन किए होते हैं, एंड इवन जो जो भी ये ब्रांड्स हैं इनकी जो ऑफिशियल पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, वो भी इन्हीं साइट से लेने को यू नो सजेस्ट करते हैं. इवन इवन नेवर यू आस्क देम, तो वहाँ पे या तो उनके वहाँ पे लिंक दिया होता है ना. फॉर एग्जांपल मैं इसी ब्रांड की बात करती हूँ, तो दिस इज़ फ्रॉम कीप कूल. ओके, सो जो कीप कूल ग्लोबल है वहाँ पे जो उन्होंने लिंक दे रखा है वो आई थिंक I'm really sorry if I'm forgetting. I think वहाँ पे या तो Macron का लिंक है वो, या फिर वो I think Sublime का लिंक है. मतलब जो वहाँ पे लिंक अवेलेबल है ना वो डायरेक्ट उसी पर्टिकुलर साइट का लिंक अवेलेबल है. ओके, सो आई होप आई मेड यू पॉइंट क्लियर. ओके, सो यू हैव टू ट्रस्ट दी साइट, अदरवाइज तो आप फिर कुछ ले ही नहीं पाओगे, है ना. सो मैक्रॉन्स मैंने पिक किया था फ्रॉम, इफ़ यू हैव सीन माई ट्रायल जो मेरे को कीप कूल का लोशन मिला था, मैंने आपको बताया था कि आई एम गोइंग टू ट्राई सम मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस ब्रांड. सो दैट्स वाई मैंने ये टोनर पिक किया है. दिस इज़ द कीप कूल एंड सूथ टोनर. इट हैज़ 85% ऑफ बैम्बू वाटर. ओके, नाउ आई हैव यूज इट 2 to 3 times एंड इट्स वेरी वेरी लाइट एंड इट्स बिल्डेबल. ओके, लाइक यू कैन गो अप टू 4 to 5 layers with this one. मैं अभी तक max I think 3 to 4 layer करी है मैंने, and this is very very hydrating. It's a barrier repairing serum, I would say, barrier repairing toner, I would say. So yeah, ये and इसके साथ मुझे मिली थी this keep cool and ocean sheet mask. खिड़की से इतनी light आ रही है ना, दिख ही नहीं रहा है कि क्या है. आई होप यू कैन सी इट, राइट. सो ये वाली शीट मास्क है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट मैंने पिक किया है फ्रॉम लाइमस कनेक्ट. नाउ लाइमस कनेक्ट से मैंने इसे पहले भी एक बार परचेज किया है, एंड व्हेन इट कम्स टू सैम्पल्स तो दे आर वेरी वेरी जेनरस. ओके, सो दिस टाइम मैंने पिक किया है दिस क्लेयर्स का फंडामेंटल वाटरी ऑयल ड्रॉप. नाउ इसका बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि यू नो इसका रिव्यू कीजिए बिकॉज इट्स ऑन अ हाइप और बहुत सारे लोग इसका रिव्यू कर रहे हैं, तो आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद भी इसको लेना चाहती थी, लेकिन मैं अच्छी डील का वेट कर रही थी. सो आई थिंक वहाँ पे 10% का कुछ ऑफ था इस पे, एंड देन मैंने कहा चलो ले लेते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द साइट पे दिस वाज आउट ऑफ स्टॉक. ओके, इट्स फॉर 2100 समथिंग फॉर 50 ml, तो लेट्स सी कैसा निकलता है. मैंने आज इसको यूज़ किया है एंड बहुत ज़्यादा लाइट है. लाइक ऑफकोर्स मैंने टोनर के ऊपर लगाया था तो मुझे थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग भी लगा, बट अभी आई एम गोना गिव दिस वन सम मोर टाइम टू कम टू अ फाइनल कंक्लूजन कि हाँ क्या है, वर्थ है या नहीं है. ओके, एंड इसके साथ मुझे ऑफकोर्स एज आई सेड कि लैमस इज़ वेरी वेरी जेनरस व्हेन इट कम्स टू सैम्पल्स, तो अगेन इस टाइम पे उन्होंने मुझे ये पाउच भर के बहुत सारे सैम्पल्स, जैसे पिछली बार मेरे को 8-10 samples, ये सब क्लेयर्स के सैम्पल्स हैं, इस बार उन्होंने इस तरह से पाउच में दिए हैं. सेम है जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, मतलब सारे क्लेयर्स के ही सैम्पल्स हैं, और इस बार ये अलग सा है. लाइक ये क्लीन एंड फ्रेश का ये ग्रे कलर वाला है. लाइक इसे पहले पर्पल एंड ग्रीन मिला था, इस बार ग्रे दे दिया है. बाकी सब सैम्पल सेम है जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, एंड इस बार इन्होंने एक चीज़ जो एक्स्ट्रा करी है, दे हैव सेंट अ N95 मास्क एज वेल, सो विच वॉज लाइक. नाउ लास्ट टू प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम सबलाइम लाइफ. सो इफ़ यू फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, तो जिस दिन ये ऑफर मिली थी मुझे, जिस दिन मैंने ये परचेज किए थे, मैंने आपको स्टोरी में शेयर किया था कि भैया दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट द प्रोडक्ट्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. तो मैंने उसमें आपको बताया था कि सबलाइम लाइफ पे क्या था, एक तो 15% का ऑफ था क्लेयर्स के प्रोडक्ट्स पे. ओके, दूसरा उनका सेकेंड एनिवर्सरी सेल चला था जिसपे एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल रहा था, तो लाइक 30% का ऑफ आपको मिल रहा था. तो इस बार मैंने वहाँ से पिक किया था. ऑफकोर्स मुझे, अगर आपने मेरा पहले वाला हॉल देखा था, आपको पता है कि मैंने विटामिन जो डुओ किट है मैंने वो लिया था, तो मुझे उसका विटामिन ई मास्क काफ़ी अच्छा लगा था, तो आई थॉट कि चलो बड़ा वाला ले लेते हैं. सो एक तो मैंने पिक किया है दिस विटामिन ई मास्क. ओके, एंड सेकंड मैंने पिक किया है यहाँ से दिस सपल प्रिपरेशन ऑल ओवर लोशन. नाउ ये क्या था,
एक तो मैंने ये सैम्पल में ट्राई किया था तो मुझे सैम्पल इसका बहुत अच्छा लगा था, तो आई थॉट कि चलो यू नो अभी ऑफर मिल रही है, लाइक 1800 के आसपास का है ये और 1300 के आसपास का पड़ रहा था, तो आई थॉट कि चलो ले लेते हैं, बिकॉज क्वांटिटी हेयर यू आर गेटिंग इज 250 ml, सो आई थॉट कि दिस इज द टाइम एंड जस्ट ग्रैब इट. ओके, दीज आर द टू प्रोडक्ट्स जो मैंने सब लाइम लाइव से पिक किए हैं. नाउ गाइज, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इफ़ यू आर नॉट गाइज फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, इवन मैंने यूट्यूब पे भी स्टोरी पे अपडेट किया था आप लोगों को, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट और नॉट, बट आई रिक्वेस्ट यू टू कम देयर बिकॉज आई नो बहुत सारे लोगों ने ये वाले डील्स मिस कर दिए होंगे, सो दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि कम एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो दैट यू नो यू विल बी अपडेटेड फॉर एनी थिंग. ओके, लाइक जब भी मुझे इस तरह का कोई ऑफर मिलती है या ऑफर दिखती है मुझे, मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सो एनी वेज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कम एंड फॉलो मी देयर. और आज का ये हॉल वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एज यूजल. सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.